नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सिरोंज मध्य प्रदेश आयुष विभाग के तत्वाधान में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन शनिवार को अम्बेडकर भवन में आयोजित किया गया। निशुल्क रूप से आयोजित इस शिविर में आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एवं यूनानी पद्धति से मरीजों का इलाज किया जाकर दवाइयों का वितरण किया गया। इसके पूर्व शिविर का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन साहू एवं स्थानीय पार्षद सचिन शर्मा ने किया। मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिले इस उद्देश्य से यह शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिविर में औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगाने के साथ इलाज में उपयोगी पौधों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर रोगियों को रोग के अनुसार योग चिकित्सा से भी अवगत कराया गया। विकासखंड स्तरीय इस शिविर में करीब 600 मरीजों को लाभ प्रदान किया गया। नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया, और निरोगी काया पाने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता। मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग द्वारा एक आयुष मेला यहाँ पर लगाया गया है। सिरोंज में हम आए हुए हैं मंडी बाईपास रोड पर, और यहाँ पर आयुष मेला लगा है। चलिए हम जानकारी लेते हैं यहाँ के नोडल अधिकारी राजकुमार रघुवंशी जी से। स्वागत है आपका खबर समय जगत में। आप बताइए कि आज ये जो मेला लगाया गया है किस उद्देश्य से लगाया गया है? आज मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग द्वारा में आयुष मेले का आयोजन किया गया है, जिससे कि जनता को आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी का, जो आयुष विभाग की तीन मुख्य पद्धतियाँ हैं, उसका लाभ मिल सके, इसके उद्देश्य से किया गया है। और जिसमें हमने आयुर्वेद के और होम्योपैथी यूनानी के जो रोगियों के अलावा योग देवरान्य योजना के अंतर्गत पौधों का वितरण किया, और अपना आयुष क्योर ऐप जो होता है हम लोगों का, एक टेलीमेडिसिन का एक ऐप है जिसके माध्यम से जनता के, मतलब मरीज अगर चाहे तो हमारे जो आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ हैं उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है, तो उसके बारे में हमने जानकारी दी। मतलब ऑनलाइन भी कंसल्टेशन कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर के द्वारा? किसी भी डॉक्टर से जो हमारे विभाग के सीनियर डॉक्टर से, उनसे विभाग से डायरेक्ट टेली मेडिसिन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। जो पौधे वितरित आप कर रहे हैं, किस तरह के पौधे आप लोगों ने यहाँ पर रखे हैं? ज़्यादातर जो है पौधे वो औषधीय पौधे हैं हमारे, जिनसे के जैसे घर में जैसे आपका मीठा नीम है, तुलसी है, पत्थरचट्टा यानी पाषाण वेद है, और भी बहुत सारे हैं। किस तरह के मरीज आपके पास यहाँ पर ज़्यादा आते हैं? ज़्यादातर बात व्याधियों जैसे कि संधिवात, आम बात जिसमें जोड़ों में दर्द वगैरह रहता है, उसके ज़्यादा आते हैं। त्वचा रोग, उदर रोग, सिरो रोग, इनके मरीज भी अधिक आए हैं। कितने रोगियों ने आज यहाँ पर उपचार कराया? टोटल जो लाभार्थी हैं जिसमें अपना जिनका इलाज उपचार किया गया वो तो लगभग 600-700 के बीच में है। अच्छा, आज 600-700 लोगों ने करवा चुके हैं। इसके अलावा टोटल लाभार्थी जिसमें अपन ने जैसे योग वाले अगर अपन जोड़ें, देवरान योजना वाले जोड़ें, तो लगभग 1000 के आसपास टोटल लाभार्थी हैं, लेकिन जिनका उपचार किया गया वो 671 आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी वाले हैं। ये जो शिविर लगते हैं इनसे जनता को कुछ लाभ मिलता है या नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद जो है हमारे देश की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, और वो पूरी तरह से साइड इफेक्ट के मतलब रहित है, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर लाभ होगा तो कम से कम, अगर लाभ नहीं भी होता है तो नुकसान एटलीस्ट नहीं होगा, ना आज ना भविष्य में। और लोग अब जागरूक हो रहे हैं आयुर्वेद, होम्योपैथी के प्रति, यूनानी के प्रति, तो अब लोगों का रुझान बढ़ रहा है इसकी तरफ। तो धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच राजकुमार रघुवंशी, जिन्होंने हमें बताया कि आयुर्वेद और यूनानी के माध्यम से लोग किस तरह से अपनी काया को निरोगी बना सकते हैं। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन गौरव सोनी के साथ जितेंद्र जैन घेतल की रिपोर्ट। खबर समय जगत के लिए सिरोंज से जितेंद्र जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।